धनबाद में कुछ ही दिनों में मॉनसून प्रवेश कर जाएगा। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में मॉनसून से आम से लेकर खास हर वर्ग के लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। जगह जगह पर जल जमाव देखा गया, नालियों का गंदा पानी सड़क पर बहता हुआ भी देखा गया। इस पूरे मुद्दे को लेकर टीवी 45 की टीम ने जब धनबाद नगर निगम के नगर आयुक्त रविराज शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि मॉनसून को लेकर निगम पूरी तरीके से तैयार है, निगम की मॉनिटरिंग टीम काम कर रही है। वहीं धनबाद वासियों की माने तो उनका कहना है कि निगम द्वारा बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं लेकिन धरातल पर उतारा नहीं जाता है, इसलिए धनबाद नगर निगम को लोग नरक निगम कहते हैं। सर, लगातार नगर निगम ये दावा कर रही है कि मॉनसून से पहले हमने सभी ड्रेनों को साफ कर लिया है और इस बार लोगों को बारिश के समय में नालियों के पानी से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन पहला दिन ही मॉनसून जो शुरुआत हुई है तो सारी स्थिति सामने थी लेकिन फिर भी नगर निगम मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इस बार जो है बेहतर दिखेगा धनबाद पहले की अपेक्षा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये बात अगर नगर निगम कहती है ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा धनबाद नालियों का जाल बिछा हुआ है और इस नालियों के जाल में अगर वो बोलेंगे हम उसमें कर चुके हैं तो नहीं। पहले उनका ये ऑफिस वाला रोड हो सकता है, साफ सफाई करवाए होंगे, लेकिन इतना बड़ा झरिया में आज आप जाके देखेंगे, चाहे अन्य जगहों में भी बहुत सारा ऐसा हीरापुर के जो है बहुत सारा गली कुची मोहल्ले में कई बरसों से नालियां वहां साफ नहीं हुई है और नालियां कितना जगह टूट चुकी है, जो पहली थी वो नालियां भी टूट चुकी है, वो उसकी पानी रोड पर बहते रहती है। ये हर जगह संभव भी नहीं है और नगर आयुक्त अगर ऐसा कहते हैं तो हमें नहीं लगता है कि ये संभव है। और ये बरसात में अभी एक दो दिन के बाद बरसात होने लगेगी तो वो देखने के लिए वो सामने आ ही जाएगा सबके सामने, लेकिन अगर ये कह रहे हैं, अगर वो दावा करते हैं कि ये सारा जो है नाली जो है हम पूरी तरह से तैयार हैं तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो हम लोग भी उस चीज़ को मानते हैं और इसमें पुख्ता इंतजाम करने की दरकार है। बहुत जगह नालियाँ टूट चुकी है, बहुत जगह लोग जो है घर के जो है पानियों का जो है नगर निगम को तो एक और मुहिम छेड़ना चाहिए कि आखिर नालियों में पानी आए क्यों। इनको तो एक कड़ाई से इनको रूल अपनाना चाहिए कि जो भी घर की पानियां हैं उनको जो है घर में ही शॉर्ट फिट बना के उनको सुखाने का काम करना चाहिए। आने वाला समय में जो है पानी ख़त्म हो रही है, लोग नालियों में बहा दे रहे हैं, वो नाली का पानी 5 किलोमीटर दूर जाकर कि किसी भी जो है बड़े नाला में मिल जाता है, लेकिन जो है शहर की पानी तो है सब जो बह जा रही है। उसमें हर घर में एक जो है शॉर्ट फिट बनाने का इनको जो है मैंने रूल बनाना चाहिए कि उसके बिना आपका जो है कुछ नहीं चलेगा, बिना भी पानी कोई भी घर का पानी बाहर ना निकले, सब घर में ही सुखाने का काम करना चाहिए। सर, नगर निगम कह रही है कि इस बार मॉनसून में लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जितनी भी शहर की नालियां हैं ड्रेनेज है उन सभी की सफाई कर दी गई है, लेकिन पहला बारिश में ही नगर निगम का पोल खुलता हुआ दिखा, क्या कहेंगे? देखिए, घनी आबादी जो क्षेत्र है, चाहे वो धनबाद का पुराना बाजार ले लीजिए, झरिया का मेन मार्केट ले लीजिए, ऐसा कई जगह पर बरसात में पोल खुलेगा क्या नहीं खुलेगा ये तो निरीक्षण का चीज़ है। हमें लगता है कि जब टेबल से उठ के जब उच्च अधिकारी जब इसका निरीक्षण करेंगे तो उनको जो है अपना बयान जो है वो सही से दिखाई पड़ेगा कि नगर निगम कहाँ तक जो है वो अपने वादे पर सही उतरी है। अभी आपको बता रहे हैं हम कई जगह पर इधर उधर जाते हैं, हमारी एसोसिएशन पानी बचाव पर भी काम की है, वृक्षारोपण पर भी काम की है। अभी पाथरडी मोहन बाज़ार में जो है हमने वार्ड 50 में भी देखा है कि वहाँ पर पिछले 2 महीने से लगातार रात दिन पानी पड़ रहा है, पानी जो है बह रहा है, वो भी पेयजल शुद्ध पानी, जबकि इसकी शिकायत भी जो है उच्च अधिकारी या नगर आयुक्त महोदय को भी कर दी गई है। जैसा कि विभाग के द्वारा एक लोगों को भेजा गया था तो उन्होंने कहा कि जो पाइप जो मुख्य पाइप है वो पूरी तरह से जर्जर हो गया है, जबकि ये हास्यास्पद है क्योंकि पिछले 50 साल से ऊपर माडा का पाइप लगा हुआ है जो आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ और पानी का जो है सामान्य आपूर्ति हो रहा है, परंतु जो अभी जो पाइप जो डाला गया है हमें लग रहा है निगम द्वारा मुश्किल से 7-8 साल हुआ होगा। तो निगम को ये देखना चाहिए, जो उनके अभियंता हैं जो ऑलरेडी पूरी प्रशिक्षित हैं शिक्षित हैं तो उन्हें ये देखना चाहिए कि हम मुख्य रोड के किनारा से कम इतना दूरी पर कर दें कि आने वाले समय में जब रोड चौड़ीकरण हो तो मुख्य पाइप जो है रोड के नीचे ना चला जाए। और ये जो बात सही है कि जो पाइप पंचर हो गया मुख्य पाइप वो बात गलत नहीं है, क्योंकि रोड चौड़ा हो गया है और जो पाइप डाला गया है वो रोड के अंदर चला गया है,
भारी वाहन के चलते जो है ऐसा अंदेशा है कि हो सकता है वो पाइप पंचर हो, लेकिन अभी तक विभाग के किसी भी आदमी ने वहाँ पर खुदाई करके इसका तहकीकात किया है कि पाइप पंचर हुआ है या कोई और कारण है। मॉनसून आने वाला है, मॉनसून आ चुका है, मॉनसून को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए मॉनसून को लेकर के नगर निगम में जितने भी नालियां हैं, छोटी बड़ी जितने भी नालियां हैं, सबकी सफाई लगभग पूरी हो चुकी है। हम लोगों ने करीब एक माह पूर्व भी जितने हमारे पर्यवेक्षक हैं उनको निर्देश दिया था, जितने बड़े नाले हैं और जो छोटे नाले हैं सबकी सफाई कर दी जाए। हम लोगों ने रिव्यू तो नहीं किया है, लेकिन एज पर रिपोर्ट हम लोग लगभग 80% के लगभग नालों की सफाई हो चुकी है और जो कुछ नाले बचे हुए उनकी सफाई जारी है, वो सफाई कर दी जाएगी। ये सफाई कब तक की जाएगी सर, क्योंकि मॉनसून आ चुका है, नगर निगम की तरफ से जो दावे किए जाते हैं, अगर हम गर्मी की बात करें तो गर्मी में ये दावे किए गए कि हर घर को जल देगा, वो भी टैंकर के माध्यम से, नए टैंकर के भी खरीदने की योजना थी, लेकिन वो भी गर्मी के समय में पूरी तरह से फेल दिखा। देखिए कहीं भी फेल नहीं दिखा, ऑन डिमांड हम लोग, हमारे पास टैंकर उपलब्ध है और बिल्कुल भी जलापूर्ति फेल नहीं है। कहीं कुछ दिक्कतें हुई हैं, चूँकि वाटर सप्लाई हमारा जो होता है मैथन से या फिर जमाडोबा से, उसी के आलोक में हम लोग पानी देते हैं और सारा ये PHD का सिस्टम बना हुआ है। जितना हमें पानी मिलता है वो पानी हम लोग सारा पब्लिक को दे रहे हैं। बिजली के कारण कोई समस्या उत्पन्न हुई है या फिर कहीं इलीगल लीकेज हो रहा है, तो हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है कि हम लोग वाटर सप्लाई को एज जितना उनका डिमांड है हम लोग उसको कोशिश करें। निगम का यह दावा है कि मॉनसून को लेकर निगम पूरी तरह से तैयार है। निगम की मॉनिटरिंग टीम लगातार कार्य कर रही है। देखने वाला बात यह है कि इस मॉनसून में लोगों को राहत मिल पाएगी या फिर जल जमाव के परेशानियों से धनबाद वासियों को जूझना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, TV 45 न्यूज़, धनबाद।